नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आपको तो पता है मैं आपके लिए नई नई जगह पर घूमता रहा करता हूँ। अब आप बोल रहे होंगे कि साले हम ही घूम लेंगे, तू क्यों घूमता है। अभी मैं आपको लेके जाने वाला हूँ ताड़केश्वर मंदिर। ये लेंस डाउन के आगे पड़ता है और सुना है कि वहाँ आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। और रास्ता बहुत बेहतरीन है दोस्तों, रोड तो पतली है पर मौसम अच्छा हो रहा है। दोपहर के 1 बज रहे हैं और ठंडा मौसम है, नजारा बहुत हसीन है। दिखाऊं? अरे नहीं, देखना है। देखना है ना, चलो आओ देखो। तो जी थम्स अप। अब हम सलमान खान रणबीर सिंह की तरह पागल तो है नहीं, तो आसमान से कूदे थम्स अप के लिए। हम तो दुकान से खरीद के पी लेते हैं भाई। जय महाकाल। आज कुछ तूफानी करते हैं। दोस्तों आखिरकार हम ताड़केश्वर मंदिर पहुंच गए। यहाँ ये गाड़ियाँ पार्क हो रखी हैं रोड के साइड में। जल्दी आएंगे सुबह सुबह और सीजन के टाइम पर आएंगे तो पार्किंग की दिक्कत होगी, आपको गाड़ी दूर लगानी पड़ेगी। भैया ने बताया कि 3-4 महीने बिजी वाले हैं। थैंक यू भैया। क्या नाम है? मनवीर सिंह। मनवीर सिंह जी, थैंक यू सर। चलते हैं फिर ताड़केश्वर मंदिर भोलेनाथ के दर्शन करने। ये है दोस्तों ताड़केश्वर धाम मंदिर, सिद्धपीठ ताड़केश्वर धाम मंदिर। क्या फर्क? चलिए आपको इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ताड़केश्वर धाम का मंदिर आदिकालीन 1500 साल पुराना सिद्ध स्थान है। ताड़केश्वर एक सिद्ध पुरुष अजन्म संत थे। वो शिवजी की तरह ही पूज्य थे और शिवजी की ही भक्ति में लीन रहा करते थे। वो दिगंबर भेषधारी, एक हाथ में त्रिशूल और चिमटा और दूसरे हाथ से डमरू बजाते हुए शरीर पर भस्म लगाकर अपने इष्ट देव भगवान शिव का जाप करते हुए इधर उधर घूमा करते थे। और अगर वो किसी भी मनुष्य को कोई भी गलत काम करते हुए देखा करते थे, जैसे कि किसी गाय को अपने स्वार्थ के लिए पीटते हुए या बैल को मारते हुए, तो उसे जोर से आवाज देकर फटकारते थे। शूज उतारे हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो ये है ताड़केश्वर मंदिर का एंट्री गेट। जो उनकी शरण में गया और उनको उनके सही रूप में पहचाना, उनको मन वांछित फल भी प्राप्त हुआ। वो सिद्ध पुरुष मानव को गलत काम करने में उन्हें ताड़ते थे। ताड़ने का अर्थ होता है डांटना, फटकारना, पीटना। इसीलिए वो जन समुदाय में ताड़केश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए और इसीलिए इस मंदिर का नाम ताड़केश्वर महादेव मंदिर है। दोस्तों ये है ताड़केश्वर महादेव और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको यहाँ आकर। पता नहीं क्यों मैं शिवजी के मंदिर में जब भी जाता हूँ ना तो बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे सच्चे भगवान शिवजी ही हैं, जबकि मेरे खुद इष्ट देव भगवान राम हैं। और यहाँ नीचे आके आप सुबह सुबह आओ यहाँ पर तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। हालांकि पार्किंग की दिक्कत रहेगी पर आप सुबह सुबह यहाँ पर आओ, बड़ा मज़ा आने वाला है। और अच्छा बिल्कुल एटमॉस्फेयर है, चारों ओर से देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ है ये मंदिर। रास्ता भी बढ़िया है आने का और बहुत सारे आपको यहाँ पे श्रद्धालु मिल जाएंगे। हर हर महादेव के नारे लगेंगे। और अब तो शाम हो गई है, 3:30 के आसपास टाइम हो गया है, पर बड़ा अच्छा लगेगा आपको। सुबह सुबह आओ, 3-4 घंटे स्पेंड करो, जो ड्राइव की थकान है ना वो सारी मिट जाएगी। भोलेनाथ से मैं यही मांगता हूँ कि जल्दी से 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएं, सेहत अच्छी रहे मेरी मेरे परिवार की और आप लोग बहुत खुश रहें। कमेंट सेक्शन में जो आपको चाहिए वो लिख देना, भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामना सिद्ध करेंगे। जय हो शिव। दोस्तों जब आप भी मंदिर में एंट्री करते हैं तो याद रखिएगा ये है ताड़केश्वर और यहाँ पर दुर्गा माता का भी मंदिर है। ये नंदी बैल है, कुछ मांग लेते हैं।
पहुंच जाएगा भोलेनाथ तक आसानी से। मैंने तो मांग लिया, आप भी मांग लो। ये दुर्गा माँ का मंदिर है। इससे पहले कि इन सब मंदिरों में वीडियोस, वीडियोग्राफी बैन हो जाए, कैमरे बैन हो जाए, मैं आपको अपने चैनल पे सब दिखा रहा हूँ। जय माता रानी, आशीर्वाद बनाए रखना सब बच्चों पे। जय माता दी भी लिख देना दोस्तों कमेंट सेक्शन में। मंदिर के अंदर धूप ना जलाएं और मंदिर में गंदगी ना करें। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है दोस्तों यहाँ पर, और कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट होने के बाद आपको शायद और अच्छा लगेगा। अब भोलेनाथ की मूर्ति को वहाँ फिलहाल स्थापित कर दिया गया है ऊपर, मेरे ख्याल से नीचे होगी मंदिर में, पर क्योंकि कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है तो यहाँ से हटा के फिलहाल ये मूर्ति वहाँ स्थापित कर दी गई है। तो ये था दोस्तों ताड़केश्वर महादेव का मंदिर। लैंसडाउन से जब आप निकलेंगे तो वहाँ से तकरीबन हमें, क्योंकि हमने बीच में खाना भी खाया है, हमें तकरीबन 1.5 घंटे का टाइम लग गया, क्योंकि हम रुके भी रास्ते में, हमने खाना भी खाया, हम आराम आराम से आए हैं। और रोड भी जो है वो वन वे ही है, और किसी जगह पे काफ़ी मतलब ख़तरनाक भी हो जाती है, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा आपको, पर यहाँ आके यू विल एंजॉय एवरी सिंगल सेकेंड ऑफ मोमेंट्स यू स्पेंड हेयर। हर घड़ी हर क्षण जो आपने यहाँ बिताए हैं, आप उसको सोच के उसका एहसास कर सकेंगे इस मंदिर में।